देगरा शहर के मानोरा चौक पर सोमवार को मराठा आरक्षण के समर्थन में सकल मराठा समाज की ओर से शुरू की गए दो दिवसीय अनशन की मियाद अब बढ़ा दी गई है। जब तक मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल को कामयाबी नहीं मिलती, तब तक मराठा आरक्षण को लेकर जारी व अनशन खत्म नहीं होगा। इस आशय की भूमिका दिग्रस के सकल मराठा समाज ने ली है। इस मौके पर आंदोलनकारियों द्वारा यह भजन कीर्तन और पोवाड़ा आदि के माध्यम से मनोरंजनात्मक ढंग से मराठा आरक्षण का समर्थन दिया जा रहा है। मालूम हो कि राज्य भर के सभी छोटे बड़े शहर के मराठा समाज बंधुओं ने आरक्षण की मांग के समर्थन में आंदोलन छेड़ रखा है। इस मौके पर दिग्रस शहर में शांतिपूर्ण तरीके से जारी अनशन में मराठा समाज बंधुओं ने समाज के लिए आरक्षण की प्रासंगिकता पर अपने विचार एनबीसी न्यूज के साथ साझा किए। माननीय मनोज जरांगे पाटील यांची जी भूमिका है कि मराठ्यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण मिळालं पाहिजे ही त्यांची रास्त मागणी आहे। त्यांनी या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास केलेला आहे। मराठा ही जात आहे परंतु कुणबी ही उपजात म्हणता येईल आपल्याला, आणि उपजात असल्यामुळे कुणबी कोणाला म्हणल्या जाते की जो शेती करतो मराठ्यामधील मराठा समाजातील जो शेती करतो त्याला कुणबी म्हणल्या जाते, आणि म्हणून सर्व मराठे हे कुणबी सवर्गात येतात म्हणून त्यांना ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश केला पाहिजे अशी मागणी माननीय जरांगे पाटलांची आहे आणि ती रास्त मागणी आहे। तेव्हा शासनाने या समाजाचा तोल न जाऊ देता त्यांनी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दिवशी सांगत त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे मराठा आरक्षणच्या संदर्भामध्ये की अपवादात्मक परिस्थितीच्या व्याख्येमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने त्या ठिकाणी मराठा समाजाला बसवण्याचा प्रयत्न करावा आणि त्या माध्यमातून आरक्षण द्यावं। आता एक लक्षात येते की अध्यक्ष महोदय हा जो काही आवाज आहे हा आवाज सरकार वाचवण्यासाठी इतर सगळ्या गोष्टी वापरला जातो, पण मला असं म्हणायचं आहे की अध्यक्ष महोदय हा आवाज जर मराठ्याला आरक्षण मिळवण्यासाठी माननीय गृहमंत्री त्या ठिकाणी माननीय प्रधानमंत्री यांच्याकडे जर त्या ठिकाणी असं म्हटलं की अध्यक्ष महोदय तुम्हाला या ठिकाणी मराठ्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल, पण तशी स्थिती या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला जोपर्यंत या ठिकाणी आरक्षण भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही हा जो काही संघर्ष आहे आंदोलन चालूच राहू देणार आहे। दिग्रस सकल मराठा समाज की ओर से मानोरा चौक पर मराठा आरक्षण आंदोलन बड़े ही अनोखे अंदाज में कलात्मक ढंग से जारी है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार भी मराठा समाज की मांग की ओर गंभीरता दिखाए और मराठा समाज को न्याय दिलाए ताकि राज्य भर में फैले मराठा समाज के पढ़े लिखे युवाओं की विभिन्न शैक्षणिक और रोजगार के अवसर से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।